बताती हूँ कि आप अपने चेहरे को कैसे चमका सकते हैं। जी हाँ, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने चेहरे को दूध से, जी हाँ दूध में आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिलानी हैं जो कि आपके चेहरे को बहुत अच्छे से निखारेगा, आपके चेहरे के जितने भी दाग धब्बे हैं अच्छे से लाइट अप करेगा, साथ ही आपके फेस पर एक निखार लेकर आएगा और आपकी स्किन को बूस्ट करेगा। ये आपकी स्किन पर बहुत अच्छे से काम करने वाला है, क्योंकि बहुत सारे कॉमेंट्स आ रहे थे कि दी हमारे फेस पर निखार नहीं है, हमारे फेस पर चमक नहीं है, हमारे फेस पर दाग धब्बे हैं। तो आप जो है मेरे बताए अनुसार दूध को इस तरीके से लगा लें। जी हाँ, दूध में आपको कुछ चीज़ें ऐसी मिलानी है जो कि आपके चेहरे को बहुत अच्छे से निखारेगी, आपके रंग को बहुत अच्छे से निखारेगी और आपकी स्किन को यंग बनाएगी, जवान बनाएगी। यकीन नहीं होता तो आप जो है इसको करके देखें और फिर मुझे बताना। देखिए, बहुत ही अच्छे से, बहुत जल्दी आपको जो है रिजल्ट मिलने वाला है इस रेमेडी से। तो आप कहीं भी शादी पार्टी में जा रहे हो, क्योंकि शादी का सीजन भी स्टार्ट है और फेस्टिवल भी आ रहे हैं, तो आप कहीं भी शादी पार्टी में जा रहे हो तो आप जो है इसको कर सकते हैं। आधा से एक घंटे पहले आप इसको करें अपने फेस पर। आपको किसी भी एक्स्ट्रा फेशियल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि ये बहुत अच्छे से आपको निखार देगा, बहुत अच्छे से आपके फेस पर बिल्कुल ऐसा आपको लगेगा कि आपने जो है 2 से 3 हज़ार रुपये वाला फेशियल पार्लर में जाकर कराया है। बिल्कुल ऐसा रिजल्ट आपको मिलने वाला है आप इसको करते हो तो। देखिए, आपके फेस पर दाग धब्बे भी, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, आपके दाग धब्बे नहीं जा रहे, आपने बहुत तरह की रेमेडी यूज कर ली है, आपने बहुत तरह के ट्यूब यूज कर लिए हैं, तब भी जो आपके दाग धब्बे नहीं जा रहे हैं, तो कंटिन्यू आपको जो है इस रेमेडी को यूज करना है। जी हाँ, कंटिन्यू आपको यूज करना है एवरी नाइट, ठीक है। सोने से पहले आप जो है इसको कर लें, जैसे कि मैं बताऊंगी वैसे आप कर लें, आप जो है 1 से 2 हफ्ते में ही रिजल्ट आपके चेहरे पर आपको दिखने लगेगा, ठीक है। आप इसको जो है एक तरीके से स्किन केयर भी कह सकते हैं। जी हाँ, आप जो है इसको जो है अपने फेस पर लगाओगे तो फेशियल का रिजल्ट मिलेगा, स्किन केयर जैसा आपको लगेगा। आप इसको जो है नाइट में करोगे तो, देखिए आप डे में इसको करते हो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, आप नाइट में करते हो सोने से पहले तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट इससे मिलने वाला है। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको दूध में क्या मिलाना है जो कि आपकी स्किन को बहुत अच्छे से यंग बनाएगा, जमा बनाएगा। जी हाँ, यानी कि हमारी जो दादी नानी है वो इसको यूज किया करती थी और उन्हें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता था, तभी जो है मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ। और मेरी 1 से 2 सब्सक्राइबर हैं जो कि जिन्होंने इस रेमेडी को यूज किया है और उनके जो दाग धब्बे हैं बहुत हद तक लाइट अप हुए हैं, तभी मैं आप लोगों के साथ इस रेमेडी को शेयर कर रही हूँ। और इससे रिलेटिव एक वीडियो और थी मेरे चैनल पर, वो भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रही है, बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है, तो उससे ही रिलेटिव आज की वीडियो होने वाली है। उम्मीद करती हूँ आप आज की वीडियो को भी इतना ही प्यार देने वाले हो, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको लेना है कच्चा दूध, जैसे कि हम बता रहे हैं हमारा मेन इंग्रेडिएंट्स कच्चा दूध है। जी हाँ, तो आपको करीबन 1 से 1.5 चम्मच ले लेना है और इसमें लेना है हनी। देखिए, प्योर हनी आपके पास होना चाहिए, ये नहीं मिलावट वाला हनी आप यहाँ पर लो और अच्छे से इसको मिक्स करना है। अभी हमें इसमें और 1 से 2 चीज़ ऐड करनी है, जैसे कि आपको लेना है विटामिन ई का कैप्सूल, ठीक है। 1 कैप्सूल आपको इसमें ऐड करना है, क्योंकि आपके रंग को भी तो निखारना है, आपको अपने फेस पर ग्लो भी तो लाना है, तो आप जो है विटामिन ई का कैप्सूल ज़रूर यूज करें। देखिए, बालों के लिए, फेस के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, वरदान है। जी हाँ, क्योंकि विटामिन ई में जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमारी स्किन को लाइट अप करने के लिए, हमारे बालों को हेल्दी बनाने के लिए, बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, तो इसलिए प्लीज़ आप इसको ज़रूर से यूज करें अपने डाइट में। तो इसका जितना भी लिक्विड है आपको इसमें ऐड करना है अच्छे से, और थोड़ा सा आपको लेना है एलोवेरा जेल। देखिए, रिंकल्स पिंपल्स को भी तो आपको दूर करना है, तो आपको लेना है एलोवेरा जेल, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और इसमें मेंशन भी हुआ है, आप देख लेना। तो कम से कम आपको 1/2 चम्मच इसमें एलोवेरा जेल लेना है और अच्छे से मिक्स करना है बस, और आपको इसमें कुछ नहीं ऐड करना है, अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि ये थोड़ा मिक्स करने में प्रॉब्लम होती है आपको, तो आपको अच्छे से मिक्स करना है। इस तरीके से आपको मिक्स कर लेना है
और जी आपको अपने फेस को नाइट में सोने से पहले अच्छे से वॉश करना है, ड्राई करना है, फिर जो है इस रेमेडी को आपको अपने फेस पर अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करना है, नॉर्मल सा तरीका है। सबसे पहले लेनी है आपको कॉटन, कॉटन को डिप करना है और अपने फेस पर इस तरीके से आपको इसको लगाना है मिल्क, ठीक है। इस तरीके से देखिए दाग धब्बे बहुत ज़्यादा हैं और आपने बहुत कुछ ट्राई कर लिया और नहीं जा रहे हैं और आपका रंग भी बहुत ज़्यादा काला पड़ गया है, तब आपको इसमें लेमन जूस ऐड करना है। लेमन जूस आपको सूट नहीं करता है तो यहाँ पर आप जो है टमाटर का रस भी ऐड करेंगे, क्योंकि उससे हमारे फेस को जो हमारा जो फेस का कलर है अच्छे से निखर कर आएगा और हमारे जो दाग धब्बे बहुत जल्दी से लाइट अप होंगे। तो आप इसको ज़रूर यूज करें, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तब आप जो है इसको ऐसे ही लगाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है। लेकिन आपके फेस पर बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हैं और आपके फेस पर जो दाग धब्बे हैं वो नहीं जा रहे हैं, तब आपको जो है यहाँ पर लेमन का यूज करना है, ठीक है। मैं यहाँ पर लेमन का जूस नहीं यूज कर रही हूँ, वैसे मेरी स्किन जो है सूटेबल है, यानी कि मेरी स्किन सूट कर जाती है लेमन को, लेकिन मैं यहाँ पर यूज नहीं कर रही हूँ, ठीक है। अच्छे से इसको अप्लाई करना है, लेकिन अप्लाई करने का जो तरीका है थोड़ा अलग है, देखिए मैं बता रही हूँ आपको कैसे करना है। तो इस तरीके से मैंने अपने फुल फेस पर इसको अप्लाई कर लिया है। देखिए जहाँ भी आपको लगता है कि आपका एरिया डार्क है, यानी कि काला पड़ गया है, दाग धब्बे हैं, तो वहाँ पर आप जो है इसको लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आप नेक एरिया पर लगा सकते हैं, हैंड पर लगा सकते हैं, आप अपने पैरों पर भी इसको लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने अपने फेस पर लगा लिया है और 5 मिनट आपको ऐसे ही रहने देना है। 5 मिनट के बाद अगेन आपको ट्राई करना है, ठीक है। तो चलिए मैं 5 मिनट के बाद जो है आपसे मिलती हूँ। तो देखिए 5 मिनट कंप्लीट हो गया और मेरा फेस जो है हल्का हल्का ड्राई होना स्टार्ट हो गया है। फिर से आपको लिक्विड को लेना है, अपने फेस पर लगाना है। इस तरीके से आपको करना है कम से कम 2 से 3 बार आपको जो है ऐसे ही ट्राई करना है, जी हाँ। और फिर जो है आपको क्या करना है, अपने फेस को ऐसे ही छोड़ देना है। देखिए आपकी स्किन बहुत ज़्यादा लूज है, तब तो आपको कम से कम 2 से 3 मिनट करनी है मसाज। इस तरीके से आपको हल्के से फिंगर की जो है मसाज करनी है इस तरीके से, ताकि आपकी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है, ना ही आपको इसको धोना है, ना ही आपको इसको पूछना है, कुछ भी नहीं करना है, आपको इसको अपने फेस पर एज इट इज छोड़ देना है, ठीक है। मॉर्निंग में अपने फेस को वॉश करना है, जो भी आप सॉफ्ट यूज करते हो या फिर फेस वॉश यूज करते हो उसके साथ अपने फेस को धो लेना है। और जी सनस्क्रीन आपको मस्ट लगानी है, यानी कि सनस्क्रीन आपको ज़रूर से लगानी है, क्योंकि सनस्क्रीन से आपकी जो स्किन है अच्छे से प्रोटेक्ट होगी, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है, कंटिन्यू आप जो है 2 से 3 हफ्ते कर लें और फिर जो रिजल्ट आपको मिलेगा ना, तो आप बहुत अच्छे से खुश होने वाले हो। और अच्छे से जो है कमेंट्स कर देना मेरी वीडियो में आकर, क्योंकि मेरी वीडियो कहीं नहीं जाने वाली है। तो प्लीज़ आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो, आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना। और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चलिए फिर मिलती हूँ ऐसे ही प्यारी प्यारी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।